अगर फ्रेंड्स आपको ओप्पो रेनो 11 में फोटो और वीडियो हाइड करना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताने वाली है इस फोन में कैसे फोटो और वीडियो को हाइड करते हैं। इस फोन की गैलरी देखने को मिलेगी फोटो नाम से, आप उस गैलरी को सर्च करके ओपन कर लीजिए जो कि कुछ इस तरह से आपको मिलती है। यहाँ पे आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पा रहे होंगे। इन तीनों ऑप्शन में से आप चाहें तो किसी के ऊपर आप इस तरह से प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आपको प्राइवेसी लॉक सेट करने का बताया जाता है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको पिन लॉक सेट करने का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके डिफरेंट प्राइवेसी लॉक लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने ऐप लॉक सेट किया है इस फोन में तो आपको वही लॉक डाल देना है, नहीं किया है तो सिंपल इस तरह से आप सेट कर लीजिए। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है जिसमें आप नाम सेट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है तो फोन की जितने भी फोटो वीडियो होंगे वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो किसी को भी हाइड करना चाहते तो इसको इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपको हाइड करना है तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट एस पगलू पर क्लिक करेंगे तो ये आपके हाइड हो जाते हैं। एक और तरीका आपको देखने को मिल जाता है हाइड करने का, जिसके लिए आपको पहले एल्बम पर क्लिक करना है। उस फोल्डर के अंदर आप जाना है आपको जिसमें से फोटो या वीडियो हाइड करना है। अब जैसे कि स्क्रीनशॉट में से मैं चाहता हूँ इस फोटो को हाइड करना, तो इसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने होंगे, यहाँ पर हाइड का फीचर देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा तो ये हाइड हो जाता है। अब तीनों में से किसी एक ऑप्शन पे आप प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, जो भी प्राइवेसी बनाया था उसको डाल के आप यहाँ पे आप देख पाओगे अपने फोटो और वीडियो के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस फोन में फोटो और वीडियो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड करना है तो इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, सेटिंग्स वाले पर जाइए और यहाँ पे फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए तो ये अनहाइड भी आपका हो जाएगा।